हेलो दोस्तों, हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। अभी हमें साइमन का फ़ोन आया था और उसने हमें गैराज में बुलाया है। उसको कोई काम है तो हमें फटाफट गैराज में जाना पड़ेगा, लेकिन आज कुछ चोरी करने वाला काम है, शायद कार चुरानी है। और मैं ये अपने पुराने गाड़ी से जा रहा हूँ, आराम से चलाऊँगा बचा के, क्योंकि ये गाड़ी मुझे वापस लौटानी भी है। तो हम सोच रहे हैं किस गाड़ी को वहाँ पर लौटा भी देंगे साथ ही साथ, क्योंकि ये गाड़ी हमारी है नहीं वैसे पूरी तरह से, तो हम इसे वहीं पर पार्क कर देंगे जहाँ से हम इसको लाए थे। और ये गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है आगे से, फटाफट चलते हैं। स्पीड में चलाता हूँ मैं गाड़ी को, सीधा जाना है वैसे तो, रास्ता यहाँ से सीधा ही है। और ये हम यहाँ पे पहुँच गए और मैं गाड़ी को सोच रहा हूँ कि पार्क ही कर देता हूँ। वो रहा साइमन, वहाँ पे किसी को कार सेल कर रहा है, तो हम चलो गाड़ी को पार्क करके वापस साइमन के पास आते हैं, जो कि हमारा बॉस है और उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। देखते हैं कि क्या काम है। और यहाँ पर मैं पार्क करता हूँ, मैंने गाड़ी यहीं से उठाई थी तो वापस यहीं पर लगा दी। ये 2 दिन तक हमारे घर में लगी हुई थी वैसे, और इसको बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं वैसे यहाँ से। तो चलते हैं साइमन के पास और देखते हैं कि क्या काम है। यहाँ से मुझे भाग के जाना पड़ेगा वैसे, ये राइट साइड में ही है साइमन, तो इधर यहाँ के लोग कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये रहा साइमन, और ये साइमन जो है कुछ कार बेचने का काम कर रहा है, कस्टमर है वहाँ पे। और ये हमारे पास आके चोरी का काम बताएगा कि चोरी करना है कैसे करना है। तो ये हमें बोल रहे हैं कि जाके फटाफट कार चुरा के आओ, उसने हमें लोकेशन दे दिया। और वो बहुत ही अमीर आदमी है जहाँ से हमें गाड़ी चोरी करनी है। वैसे ये करता क्या है कि ये लोगों को कार रेंट पे देता है और हमें कहता है कि जिस आदमी को रेंट पे दिया है उसको जाके कार को डिस्ट्रॉय कर दो या डैमेज कर दो, ताकि वो उससे दुगना पैसा मांगेगा गाड़ी का, और उसको डिस्ट्रॉय भी हम ही ने करवाया है। तो ऐसा टाइप का काम करता है ये 2 नंबर का। तो अभी तो इसने हमें चोरी करने के लिए कह दिया है, तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्रैंकलिन एवरेज इनकम वाला है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फटाफट इसी गाड़ी में बैठते हैं और इसी गाड़ी में चलते हैं। और वो जो बंदा है वो बहुत ही अमीर है जहाँ से हमें गाड़ी चुरानी है। तो फटाफट चलाता हूँ मैं स्पीड में पूरा। हमें ध्यान रखना है यार कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि चोरी करते वक्त अगर पकड़े गए तो यार फिर दिक्कत हमें ही हो जाएगी, क्योंकि साइमन तो कह देगा कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। वैसे वो हमें इसने साफ साफ कह दिया कि हाँ ये बहुत ही रिस्की काम है, हम करना तो पड़ेगा ही। वो बहुत ही अमीर आदमी है जिसके यहाँ हम जा रहे हैं गाड़ी चोरी करने के लिए, बहुत ही बड़ा घर है उसका, ऐसा उसने साइमन ने बताया है। और मैं जा ही रहा था तो तभी अचानक से ना साइमन मुझे ना कॉल कर रहा है रास्ते में। 2 बार कॉल आ चुका है उसका पहले, तो अभी हमें उठाना ही पड़ेगा उसका कॉल, क्योंकि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। पहले बात कर लेते हैं उससे क्या कह रहा है। तो वापस कॉल किया उसने, ये देखो ठोक दिया इसने। और वैसे हमारी गलती है क्योंकि लाल बत्ती थी ना यहाँ पे, हमें ही नहीं जाना चाहिए था आगे। चलो कोई नहीं। और ये आ गए हम लोग हवेली इसका, जो बहुत बड़ा घर है, ये बहुत ही अमीर आदमी है, यहीं से हमें गाड़ी चुरानी है। तो देखते हैं कि अंदर कैसे जाना है। अंदर जाने के लिए ना यहाँ से हमें कुछ करना पड़ेगा यार, यहीं से जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ से मैं ना चलता हूँ, यहीं से शायद टाप के चला जाता हूँ। सही है यार, छलांग मार दिया यहाँ से मैंने तो। और देखो यहाँ पे काम कर रहा है ये कुछ तो काम कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है। चलो इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास, अगर ये हमें देख लेगा तो फिर बता देगा कि हम यहाँ पे करने के आए हैं, चिल्लाने लगेगा। अरे मार दिया इसको मैंने, एक ही मुक्के में चला गया ये तो। अब ये गाड़ी है इसमें, ये गैराज है इसका, ये बहुत ही पावरफुल आदमी है यार जो भी आदमी है। तो खोलते हैं भाई, ये तो लॉक है, ये लॉक है, ये नहीं खुलने का। हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा यार, कैसे गाड़ी को निकाले बाहर। तो कहीं तो रास्ता होगा, यहाँ पे खिड़की है क्या कहीं टूटी हुई? नहीं है यार, इधर तो कुछ नहीं है, शायद इधर से होगा कुछ, शायद यहाँ पे जंप करने पे ना ऊपर चले जाएंगे हम, ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे जंप करके देखते हैं। अरे यार खुद को ही चोट लगा लिया, और ऐसे कौन गिरता है यार जंप करके। तो चलो इधर चलते हैं, इधर होगा रास्ता शायद, यहीं से रास्ता। यहाँ पे खिड़की होगी पीछे बड़ी वाली, नहीं यार ये तो बहुत छोटी खिड़की है, तो इनमें जा नहीं सकते हम लोग। चलो यार इधर से देखते हैं कहीं से रास्ता। वाह भाई क्या तो घर है इसका यार, ऐसे घर लेंगे यार हम लोग भी अगर पैसे भी ज़्यादा होने लगे तो। यार ये रास्ता यहाँ से, यार ये तो बंद है यार इधर भी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ गाड़ी लगी हुई है लगता है, यहाँ पे अगर मैं गाड़ी पे चढ़ के जाऊँ तो शायद पहुँच जाऊँ ऊपर। ऊपर से आवाज़ें आ रही है भाई, कुछ लड़ाई चल रहा है क्या है? अच्छा ये डैड डैड कह रही है, ये कोई लगता है ये बहन और भाई दोनों लड़ रहे हैं यहाँ। तो ये बहन भाई लड़ रहे हैं दोनों, और ये जिसका घर है ना उसके बच्चे हैं, ये दोनों सिस्टर एंड ब्रदर हैं। तो ये आपस में फाइट कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं किस बात पे। भाई किसी को पता नहीं लगना चाहिए हम घर के अंदर हैं भाई, किसी और के घर के अंदर। ये देखो ये रहा, ये रहा
ये रहा यार, ये छोटा सा लड़का है। नीचे चलते हैं, नीचे जाके हमें गैराज का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि गाड़ी चुरानी है हम लोग को, तो गैराज का रास्ता होगा यहाँ से कहीं। और ये देखो इसकी बहन होगी है जो लड़ रही थी अभी, और वो कोच है, क्योंकि ये कोच कोच कह रही है कि उसको शायद सिखाने आया है कुछ टेनिस वगैरह। लेकिन भाई इधर तो कुछ और ही चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? छोड़ो यार, सब पे ध्यान नहीं देते, अपने मिशन पे ध्यान देते हैं। तो यार अपने को करना क्या है कि गैराज का रास्ता ढूंढना है। हम गैराज का रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे हम? हमें देखना पड़ेगा अभी। तो फटाफट मैं उस साइड चला जाता हूँ, और ये मैं उस साइड आ गया आराम से। चुपचाप आना है भाई, चुपचाप करना है काम, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो पता लग गया ना उनको तो यार दिक्कत हो जाएगी हमें। और यहाँ से ना मैं चुपचाप चला जाता हूँ, वहाँ पे सोफ़ा के पास चला जाता हूँ मैं, इधर कोई नहीं है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं उस दीवार के पास। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे भी आ गए हम लोग, चुपचाप आ गए। इनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। यार इधर से तो रास्ता नहीं दिख रहा गैराज का। गैराज किधर है यार? लगता है गैराज उधर ही है, उस तरफ ही है। उधर होगा गैराज। यार मैं गलत जगह आ गया क्या? वापस चलते हैं इधर। कवर लेना ज़रूरी है, क्योंकि यार पकड़े जाएंगे अगर कवर लेकर नहीं चलेंगे तो। अब उस दीवार पर चलते हैं। हाँ भाई बस सही, इनको पता ही नहीं लगा। अरे गैराज का रास्ता किधर? ये रहा, ये रहा, ये रहा गाड़ी, ये रहा गैराज। यार यही तो है गैराज। चलो फटाफट बैठते हैं गाड़ी में, और ये गाड़ी हमें चुरानी थी, और हम बैठ गए आराम से। चलो भाई खुल गया अपना अभी। वाह अभी ये सही है यार, अंदर हो तो आप अपने आप खुल जाता है, सब सेंसर होगा ऐसा कुछ कि इनको लग रहा है कि हम ही मालिक है। देखो ये भी खुल गया यार आराम से, पहले खुल नहीं रहा था। चलो बाहर आ गया हम, तो अब भगते हैं फटाफट। देखो अभी कॉल करता है बॉस, तो ये बॉस का फ़ोन आ गया, उठाते हैं, बोलते हैं कि काम हो गया हमारा, हमने बोल दिया कि हम वापस आ गए, काम हो गया। और बहुत खुश हो गया बॉस, बोल रहा है कि बढ़िया बढ़िया, बोल रहे जल्दी से लेके आओ, बिना ठोके लाना गाड़ी को। बोला गाड़ी को कुछ होना नहीं चाहिए, गाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए कह रहा है। ये क्या हो गया भाई, गाड़ी में कोई है अपने गाड़ी में पीछे? यार ये बंदूक लगा दिया इसने हमारे सर पे। भाई ये कौन है? अच्छा ये वही मालिक है भाई घर का। ये गाड़ी में क्या कर रहा था? पता नहीं क्या करना है भाई, इसके बातें माननी पड़ेगी। ये तो कह रहा है कि चुपचाप चलो जहाँ पे जा रहे थे, मतलब ये हमें अपने बॉस के पास जाने के लिए कह रहा है। ये हमें कह रहा है कि तुम अपने बॉस के पास चलो जिसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे। तो यार हम तो फंस गए यहाँ पे, गोली मार देगा कह रहा है कि अगर नहीं गए तो गोली मार दूंगा। एक्चुअली ये उसको घर का मालिक है, ये जानना चाहता है कि भाई किसने हमें भेजा था। और ये पूरा पूछताछ कर रहा है कि क्यों आए थे, क्या करने आए थे। भाई हमने साफ साफ बोल दिया, देखो मैंने इसको मार दिया धक्का, क्योंकि यार पुलिस वुलिस भी आ जाना तो सही है, कम से कम मरूंगा तो नहीं मैं, नहीं तो यार गोली मार देगा। तो यार चलते हैं फटाफट बॉस के पास। आ गए हम लोग बॉस के ठिकाने, यही हमारा कार गैराज के पास आ गए हम लोग। और ये कह रहा है कि भाई, और भाई ये हमें कह रहा है कि गाड़ी को पूरी स्पीड में करो और कार गैराज के अंदर घुसा दो सीधा, शीशा तोड़ के। भाई ये कैसे कह रहा है, ये करना क्या चाहता है ये? तो भाई गाड़ी को स्पीड में करके बोल रहा है कि ठोक दो पूरा अंदर, जितना अंदर ले जा सकते हो ले जाओ भाई, तो पूरी स्पीड में गाड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कह रहा है तो गोली मार दूंगा। चलो ऐसे ही करते हैं, ऐसे मरेंगे नहीं तो वैसे मरेंगे। ये संकी टाइप का आदमी है, कोई पीछे मालिक है भाई घर का। स्पीड में करके हमने ये साइमन के गैराज में धक्का मार दिया। देखो साइमन आ गया पूरा, ये कह रहा है क्या कर रहा है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, और इसने हमें पैसे थमा दिया। भाई कह रहे हैं हमारा काम हो गया, हम तो भाई पैसे के लिए कर रहे थे जो भी दे दे। और ये देखो माइकल के अंदर आ गए हम, अब माइकल को कंट्रोल कर रहे हैं जो मालिक है घर का। ये कहाँ मार रहा है भाई, पीछे मार। और इन दोनों की लड़ाई हो गई भाई आपस में। ये घर का मालिक है वही, हम जिससे घर हम चोरी करने गए थे, इसको हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, हमें मारना पड़ेगा इसको। अपने बॉस को ही मार रहे हैं हम, जो कि फ्रैंकलिन का बॉस है, इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये उल्टे सीधे काम करता है इसको। और ये जो है गैंगस्टर है बहुत बड़ा, जो जिसे जिसके घर गए थे हम लोग, अमीर आदमी है और गैंगस्टर है पूरा, बहुत ही बड़ा। इसको मारना बहुत ज़रूरी है भाई। एक क्या हो गया भाई, उछल उछलना नहीं है भाई, मारो इसको। अरे पंच करना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, पीछे मार। हाँ भाई मार मार, तो ये मैंने मार दिया इसके भाई। अरे कुछ नहीं है, ये कमज़ोर से, ये तो मैं जानबूझ के खा रहा हूँ भाई इसे। ले ले ख़त्म हो गया ये। और ये माइकल ने इसको खूब मारा है भाई, और ये कह रहा है कि यार दिखना नहीं चाहिए तो मेरे को यहाँ पे, चुपचाप यहाँ से चला जा, भाग जा यहाँ से। ओ भाई या इसके तो भाई, और भाई बोल रहा है कि ऐसे काम नहीं करना मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं, कि मैं बहुत कर चुका हूँ ये सब भाई। अब ये बहुत मारा इसने इसको, और ये और ये इसको कह रहा है कि भाई चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे कभी मत आना वापस, और अब मेरे शक्ल और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना बोल रहा है।
तो भाई ये तो उसने डरा दिया उसको पूरा। और ये हम माइकल के अंदर आ चुके हैं भाई, माइकल को कंट्रोल कर रहे हैं हम। तो बेसिकली भाई हमारे पास एक और करेक्टर आ गया माइकल, मतलब हम अब करेक्टर चेंज कर सकते हैं, हम माइकल और फ्रैंकलिन दोनों बन सकते हैं। फ्रैंकलिन वो जो कि हम शुरू से चलाते आ रहे हैं, जो कि गरीब है, जो कि एक एवरेज बंदा है, और ये बहुत ही अमीर बंदा है जो माइकल है। और फ्रैंकलिन जो है वो एवरेज बंदा है। तो देखो अभी मैं फ्रैंकलिन बन जाऊँगा तुरंत। और ये देखो इसका एनिमेशन ऐसा है कि फ्रैंकलिन बनने का, ये देखो फ्रैंकलिन यहाँ पे है, फ्रैंकलिन जो है नीचे चल रहा है। और ये फ्रैंकलिन जो है अपने दोस्त को बता रहा है लेमार को कि भाई हम फायर हो चुके हैं, हमारा जॉब चला गया, क्योंकि उसने अपने बॉस को खूब मारा है। और लेमार जो है विश्वास नहीं कर रहा है, तो अब जॉब से चले गए, जॉब तो चली गई हमारी, क्योंकि भाई बॉस ही नहीं रहा, बॉस को इतना मार दिया, तो भाई हम क्या चीज़ है। तो हम चुपचाप अब अपने घर की तरफ चलते हैं यार। तो देखो ये दो करेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं इस गेम में, ऐसा है कि भाई अमीर लोग वाली ज़िंदगी और ये एवरेज बंदे वाली ज़िंदगी, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमें मिशंस मिलेगी दोनों के अलग अलग, तो हमें पता लगेगा कि भाई कैसा मिशंस होता है। तो माइकल जो है वो अमीर है, और जो ये फ्रैंकलिन है ये थोड़ा एवरेज इनकम वाला है। तो हम माइकल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फ्रैंकलिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने पास दो करेक्टर आ गया। तो चलो अभी इसके कपड़े चेंज करते हैं, फ्रैंकलिन के बहुत टाइम से यही पहना हुआ है इसने, तो चेंज कर दिए कपड़े। और मैं भी ना, तो मैं आपको फटाफट माइकल का करेक्टर चेंज करके दिखाता हूँ। तो फटाफट मैं आपको फ्रैंकलिन से माइकल बन के दिखाता हूँ। और ये हमने देखो अब माइकल बन जाएंगे हम तुरंत, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है। तो हम दोनों बन सकते हैं और दोनों बन के खेल सकते हैं, कभी माइकल बन के और कभी फ्रैंकलिन बन के। तो भाई दोनों के जो स्पेक्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दोनों के अलग अलग है। एक तो अमीर है और एक एवरेज इनकम वाला है, जिसको भाई पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये जो है बहुत ही अमीर है, ये तो भाई कुछ भी खरीद सकता है। और इसने जो है इस पर कब्जा कर लिया है, इस जो कारगराज है। तो यार यहीं पे फ्रैंकलिन पहले काम करता था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताना। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।